अकबर साहब ने 6 बार चुनाव लड़के 6 बार चुन के आए, इसीलिए हमारे सरकार मेजॉरिटी मिलते ही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए। हम जितना जितना उनको वो पार्टी को माइनॉरिटी से को जितना मौका देना है हम कोशिश किए। ये 1 मिनट, यस, बिकॉज ऑफ योर सीनियरिटी, दिस इज नॉट एनी आउट ऑफ टर्न कोटा, वी हैव रेस्पेक्टेड योर सीनियरिटी एंड योर एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू क्लैरिफाई। एट द सेम टाइम ही हैज टू रेस्पेक्ट कलीग मेंबर, ही इज ऑल्सो, नो, सीनियरिटी डजंट गेट एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। सीनियरिटी और जूनियरिटी और फर्स्ट टाइम और 10th टाइम मेंबर, हर मेंबर के लिए एक ही तरह के हक होते हैं। आपके अध्यक्ष में जितने भी 119 मेंबर्स है, हर मेंबर के लिए एक ही तरह का यहां पर मौका मिलना चाहिए, एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर कोई नया मेंबर कुछ मुद्दा उठाए तो सीनियर मेंबर सबर करके उनको जवाब दिए तो ठीक रहेंगे, तब वो कुछ सीखने के भी एक मौका मिलेंगे। क्योंकि ये सभा में 57 न्यू मेंबर्स चुनाव लड़के जीत के आए, जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लोग चुने, डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहां भेजे। किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है। ये ऐसा चर्चा यहां पर, हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है, एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे।